Assalamu alaikum dear all the students of class 5. In this session I am moving towards the next unit of month of August, which is Nurse's Song. First I will read this, then will explain you, and we will do the work of this unit after our explanation. So come on page number 41, Nurse's Song. When the voice of children are heard on the green and laughing is heard on the hill. It is a kind of poem in which जिसमें ये बताया गया है कि जब ग्रीन पे here you all can see they are on the grass and जब वो यहाँ पर ग्रास पे ग्रीनरी पे खड़े हुए थे तो उनकी आवाज़ें सुनी गई. यहाँ पर इन बच्चों को जो है वो प्रोमिनेंट किया जा रहा है. एंड लाफिंग इज हियर्ड ऑन द हिल, और इनके जो इनकी सराउंडिंग में जो हिल्स थी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, उनकी खेलने की, हंसने की और ये जो सारी तमाम आवाज़ें थी वो वहाँ पर गूंजने लगी. माई हार्ट इज रेस्ट विद इन माई ब्रेस्ट एंड एवरी थिंग एल्स इज स्टिल. और यहाँ पर जो है इसकी सराउंडिंग का जो पूरा एनवायरनमेंट है उसकी कामनेस के बारे में, उसकी पुरसकून फिजा के बारे में बताया गया है कि बच्चे जो यहाँ पर ग्रीनरी पर ग्रास पर खेल रहे थे उनकी हंसने की आवाज़ें जो हैं वो पूरी सराउंडिंग में, हिल्स में जो गूंज रही थी, और दिल जो है बहुत पुरसकून था और बहुत बहुत यहाँ पर आरामदेह और सुकून दे था, और सब कुछ जो है वो बहुत आराम से चल रहा था बहुत. एंड एवरीथिंग एल्स इज स्टिल. देन कम होम माय चिल्ड्रन द सन इज गॉन डाउन. तो फिर जो है उन बच्चों को जो है वो मुखातिब किया गया, और किसने यहाँ पर मुखातिब किया, किसने आवाज लगाई, किसने उनको ये कहा कि कम होम माई चिल्ड्रन द सन इज गॉन डाउन. जो उन बच्चों की नर्स थी, जो उनकी देखभाल करती थी, उसने उनको आवाज देकर बुलाया कि बच्चों चलो घर में आ जाओ, सूरज जो है वो गुरूब होने वाला है. एंड द ड्यूज ऑफ द नाइट अराइज, और जो है वो रात जो है वो निकलने को तैयार है, रात का अंधेरा जो है वो छाने वाला है. कम कम लीव ऑफ प्ले एंड लेट अस अवे टिल द मॉर्निंग अपीयर्स इन द स्काइज. उनकी जो नर्स होती है वो कहती है आओ चलो जल्दी से आओ और खेलना छोड़ो और हमें अंदर जाना है यहाँ से जाना है ये जगह छोड़ के. टिल द मॉर्निंग अपीयर्स इन द स्काई, जब तक के आसमान पर सुबह नमोदार नहीं हो जाती, जब तक के सुबह की रोशनी नहीं निकल जाती, सूरज निकल नहीं जाता, तब तक हमें यहाँ से जो है निकलना है, यहाँ से जाना है. नो नो लेट अस प्ले फॉर इट हियर डे. और बच्चे क्या कहते हैं नहीं नहीं हमें खेलने दे. एंड वी कैन नॉट गो टू स्लीप, और हम सोने नहीं जा सकते, हम सोने नहीं जाएंगे. Besides, in the sky, the little birds fly. और यहाँ पर you all can see कि यहाँ पर जो है वो स्काई में जो है यहाँ पर हमारे पास बर्ड्स फ्लाई करते हुए दिख रही हैं, और वो बच्चे जो कहते हैं देखो अभी भी ये जो है बर्ड्स अभी भी फ्लाई कर रही हैं. एंड द हिल्स आर ऑल कवर्ड विद शीप्स. वी वेल वेल गो एंड प्ले टिल द लाइट फेड्स अवे एंड देन गो होम टू बेड. तो फिर उनकी जो है नर्स जो है वो मान जाती है कि ठीक है चलो. तो बच्चे कहते हैं कि देखें अभी भी जो है यहाँ पर बर्ड्स खेल रही हैं, बर्ड्स जो है यहाँ पर अभी भी फ्लाई कर रही हैं, अभी हमें और खेलना है. इस इंसिस्ट करने पे उनकी जो नर्स होती है वो मान जाती है कि चलो जब तक आप लोग खेलें, जब तक जो है ये पूरी रोशनी जो है वो फेड नहीं हो जाती, मतलब कि रात के अंधेरे में नहीं डूब जाती, जब तक के लिए वो उनको परमिट कर देती है. एंड देन गो होम टू बेड, और फिर वो कहती है फिर जो है घर जाके फिर सोना है. द लिटिल वंस लीप एंड शाउटेड एंड लाफ्ड एंड ऑल द हिल्स इको. फिर यहाँ पर बच्चे जो है वो वापस से तमाम चिल्ड्रन जो है
यहाँ पर वापस से खेलना शुरू कर देते हैं और उनकी हंसी और चीखों की आवाज़ जो है वो वापस से हिल्स पर इको कर रही होती है, मतलब गूंज के वापस सुनाई दे रही होती है। सो स्टूडेंट्स, इट इज द पोएम ऑफ विलियम ब्लेक। इट इज रिटन बाय विलियम ब्लेक। He was a poet and artist who grew up and worked in London, England. He earned his living as an engraver of illustrations for books. He wrote many poems for children as well as adults. He engraved all his poems himself. विलियम ब्लेक जो थे वो एक पोइट थे और एक आर्टिस्ट भी थे, जो कि जिन्होंने वर्क किया लंदन इंग्लैंड में रहते हुए और अपनी गुजर बसर जो उन्होंने अर्न किया तमाम वो तमाम किसके थ्रू किया, अपनी इस पोम्स के जरिए, अपनी इन तहरीरों के जरिए, अपनी बुक्स के जरिए जो है वो अर्न किया और अपनी ज़िंदगी गुजर बसर की। और उन्होंने जो है बच्चों के लिए काफ़ी पोम्स लिखी हैं और उनके साथ साथ बच्चों के साथ साथ नौजवानों के लिए भी काफ़ी पोम्स और पोइट्री तहरीर की है। He offered the services from 17 William Blake 1757 to 1827. Here you all can see the services provided by him. And a short introduction of William Blake, in which he was a poet and artist. He was a poet and artist, worked in England, wrote many poems for children as well as adults. So students, here you all can see the working summary of this student. In this unit, we will do what's the law, exercise A, exercise D, and in exercise D, we will do part 2, 4, and 6 only. And in the last, we will do summary of this unit. We will have this work in this unit. Now, here you all can see the what's the law of this unit. Invention number one is leave off. Leave off means stop. Leave off means stop. Now, number two, covered. Here, apostrophe D means it is contracted. Now, here we have written in the full form which is covered. Number three, fades. Fade means becomes dimmer. So students, you all have to do these words to know in your copies like totally like this. So students, here you all can see the exercise A, which is give one word of the following. Number one, this is heard. Which is heard in the poem? Laughter. मतलब कि वहां क्या सुना जा रहा था? हंसी की आवाज। नंबर टू, दिस इज एट रेस्ट, और वहां पर किस चीज के बारे में क्या गया कहा गया था जो कि बहुत पुरअमन है? हार्ट, उसका दिल। दिस इज स्टिल एवरीथिंग, सब कुछ जो था वहां पे सराउंडिंग जो उनको लग रही थी कि वो थमी हुई है। नंबर फोर, दे गुड कम होम, और घर आने को वहां पर किसको कहा गया था? चिल्ड्रन, बच्चों को जो है वो उनकी नर्स जो है वो बुला रही थी, किसको बुला रही थी? चिल्ड्रन। नंबर फाइव, दिस हैज गॉन डाउन, और उसने क्या कहा था कि क्या गुरूप हो गया है? सन, सूरज, सूरज को बोल रही थी ना कि वो सूरज जो है वो गुरूप होने वाला है। दिस हैज गॉन डाउन, सो कम होम, तो सो द आंसर इज सन। एंड नंबर सिक्स, दिस शुड बी स्टॉप, और उसने किस चीज को स्टॉप करने के लिए बोला था? खेलने के लिए मना किया था। सो प्ले, दिस विल फेड अवे। नंबर सेवन, दिस विल फेड अवे, उसने क्या कहा था कि क्या चला जाएगा? लाइट, लाइट जो है वो चली जाएगी और
अंधेरा छा जाएगा. सो स्टूडेंट्स, यू पीपल हैव टू डू दिस एक्सरसाइज लाइक दिस इन योर कॉपीज. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव एक्सरसाइज जी, इन विच वी विल डू सेंटेंसेस. फॉर सेंटेंसेस वी हैव टू वर्ड्स इन ईच पॉइंट. एंड ऑन नंबर टू, ऑन नंबर पॉइंट नंबर टू वी हैव नंबर वन बिसाइड्स एंड द अनदर वन इज बिसाइड. And the sentence of the word besides is, besides English, we also learned mathematics at school. And the number two beside, my mother came and sat beside me. Now here we have two words, away and away. And the sentence of the number one, away, is, you will find a way to get your friend's phone. Number and the number two, away. After the show, my father went away to his office. Now here we have skies, and the number two, skies. Number one, the skies at night were ablaze with twinkling stars. Number two, skies, the sky's color was clear and pale blue. Here two kinds of skies. In which number one is skies, जिसमें ये बोला जा रहा है कि sky पर रात में आसमान पर तारे चमकते हैं, चमक रहे थे. Number two skies, the sky's color, मतलब sky का color, आसमान का color was clear and pale blue. यहाँ पर जो है आसमान के color के बारे में बताया है. और number one में जो है वो ये बताया कि आसमान पर जो है वो रात में तारे चमक रहे थे. So students, in the end, we have a summary of this unit. I will read this. The scene of the poem features a group of children playing outside in the hills. यहाँ पर इस poem का scene कुछ इस तरह शुरू होता है कि एक group जो बच्चों का खेल रहा होता है hills के दरमियान, hills की तरफ, while their nurse urges them to play, to leave off play and retire the house for the night. और इतने में जो है उनकी nurse जो उनका ख्याल रखती है वो आती है और उनको खेलने से रोक देती है. वो कहती है stop and go for the house for the night. मतलब कि उनको खेलने से रोकती है और उनको घर चलने को कहती है. They ask to play until bed time. और वो फिर उससे कहते हैं कि हमें और खेलने दें जब तक रात का सोने का वक्त नहीं हो जाता. For as long as the lights last. जब तक के पूरी रोशनी, जितनी भी सूरज की रोशनी वहाँ मौजूद थी, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती तब तक हमें यहाँ पर खेलने दें. I hope you all have understood this and will do this summary in your copies. I will explain you all this. Once again, the scene of the poem features a group of children playing outside the hills. यहाँ पर सीन इस तरह शुरू होता है इस समरी का कि एक ग्रुप जो होता है वो पहाड़ियों के दौरान पहाड़ों के अतराफ में और ग्रीन घनी घास पे बच्चे जो है वो खेल रहे होते हैं और वहाँ का एटमॉस्फेयर जो होता है वो बड़ा पुरसुकून होता है. और इतने में जो है वो उनकी नर्स जो है जो उनकी देखभाल करती है वो आकर उनको स्टॉप करती है, मतलब खेलने से रोकती है और कहती है कि गो फॉर दी बैट एंड रिटायर टू हाउस फॉर नाइट. मतलब कि अब घर चलो, रात का वक्त हो गया है, अब सोने का वक्त है. बट लेकिन वो जो बच्चे होते हैं वो उससे और टाइम एक्सटेंड करते हैं, मतलब और खेलने का कहते हैं जब तक कि वो ये कहते हैं कि जब तक कि पूरा अंधेरा नहीं हो जाता, पूरी रात छा नहीं जाती, रात का अंधेरा पूरा छा नहीं जाता तब तक हमें यहाँ पर खेलने दें. सो इधर जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो बड़ा काम बताया गया है और वहाँ पर सराउंडिंग में जो है वो बच्चों की हंसने की, खेलने की, चीखने की आवाज़ें गूंज रही होती हैं, इको हो रही होती हैं और सब कुछ जो एवरीथिंग वाज स्टिल देयर एंड और फिर वो जो बच्चे जो हैं वो आराम से हंसी हुची वहाँ पर खेल रहे होते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन दिस यूनिट वी हैव वर्ड्स टू नो and the exercise A and exercise D and a summary.
So students, you all have to do this work in your copies very neat and clean. And the time of the today's session has been ended. So till then, stay safe and stay at your homes. Allah Hafiz.